बिस्मिल्लाहमानीम लेक्चर नंबर ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी फाइव रिसर्च मेथडोलोजी चैप्टर ट्वेल्व सेलेक्ट अ सैम्पल, सेलेक्टिंग अ सैम्पल इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च डिफाइन द सैम्पल टर्मिनोलॉजीज थीटिकल बेस फॉर सैम्पलिंग फैक्टर अफेक्टिंग द इन्फ्लुएंस ड्रा फ्राम सैम्पलिंग जो इंफ्रेंस ड्रा करते हैं नीन मेड मीडियम ये एंड आफ्टर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सैम्पलिंग इंक्लूडिंग रैंडम और प्रॉपिबिलिटी सैम्पलिंग मॉडल नॉन रेंडम और नॉन प्रॉपिबिलिटी मॉडल डिज़ाइन द मिक्स डिज़ाइन और इसके बाद हम कैलकुलेशन ऑफ सैम्पल साइज द सेचुरेशन पॉइंट तो ये किया हमारे पास सैम्पलिंग फर्स्ट ऑफ ऑल सैम्पल होता क्या है बुक ने बेसिक डिस्कस नहीं किया लेकिन द मेन डिफ्रेंसीशन उसने पेयर फॉर क्वालिटी हमारे पास साम्पलिंग साम्पल है क्या फर्स्ट ऑफ आल पॉपुलेशन पॉपुलेशन हमारे पास क्या होती है जो भी आप चीज़ या इवेंट जिसको स्टडी करना चाहते हैं उसको आप होल जितने भी लोग हैं या आप जिस इंस्टीट्यूशन की करते हैं तो वो इंस्टीट्यूशन या लोग या वो कंट्री वो आपके लिए पॉपुलेशन बनती है हाँ आप होल जब लेंगे तो वो पापुलेशन है लेकिन होल से आप जब सबसेट बनाते हैं सबसेट दैट मेक एक और वो हमें सैंपल देता है अब सैंपल पर सैंपल डिपेंड करता है आप सैंपल किस कितना बनाते हैं अब वैल्यू डेटा कितना है अगर होल पॉपुलेशन कितना है उसके मुताबिक अगर आपने बनाना है तो उसके लिए मेथड है फॉर द कैलकुलेशन। बुक में भी मेंशन किया गया है और अगर आप इजी सर्टिफाइड सैंपल करते हो जो आप जितने आपके लिए इजी हो उतने सैंपल आप सेलेक्ट करना अब इसके बाद हमारे पास जो मेन टॉपिक है क्या है द डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन बिटवीन सैंपलिंग इन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च अब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है ये आप लोगों को कंफर्म पता होना चाहिए क्योंकि हमने इतना पढ़ लिया है तो हम जब सेलेक्ट करते हैं सैम्पल साइज इन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च वो टू वे में हम अपोजिंग कर सकते हैं क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में हम क्या करते हैं हम सैंपल साइज़ जो सेलेक्ट करते हैं वो क्या होता है हमारे पास कि वो अनबाइस हो वो हम होल पॉपुलेशन को सेलेक्ट करें या वो होल पॉपुलेशन को जितना सैंपल हम सेलेक्ट कर रहे हैं सेलेक्ट कर रहे हैं किस चीज़ में क्वांटिटेटिव, क्वानिटेटिव में क्वांटिटेटिव में जितना सैंपल हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो रिप्रेजेंट करे, किस चीज़ को अनबाइस हो और वो एग्जैक्ट आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हो आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हो देन हम उसको सेलेक्ट करते हैं और इन क्वालिटेटिव हम फिर नंबर कंसीडर करते हैं कि इन्फ्लुएंस जो सिलेक्शन ऑफ सैम्पल है वो डिपेंड करता है कि हम कितने लोगों तक एक्सेस रिस्पॉन्डेंट तक पोटेंशियली पहुंच सकते हैं एक्सेस कर, है, कर सकते हैं रिस्पॉन्डेंट को हम उनसे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं तो वो इस पे बे बेस करता है हाँ अगर हमारे पास एक्सेस इजी है लेकिन लोग बहुत ज़्यादा हैं तो उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेशन हमारे पास इसी चैप्टर में टॉपिक मेन टॉपिक है और इसके बाद अगर हम और ये डिपेंड भी किस चीज़ पे करते हैं आप जब सैम्पल सेलेक्ट करते हो वो इवेंट या सिचुएशन पे जो आप आ, चाहते हो किस चीज़ को आप आ, रिसर्च करना चाहते हो उसके लिए आप सोलूशन ढूंढना चाहते हैं तो वो डिपेंड करता है कि आप कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल करते हो या टोटल डिफ्रेंसीशन उस में कैलकुलेट करना चाहते हैं अब वो डिपेंड करता है कि आप एक ग्रुप से कैलकुलेट करते हो या डिफरेंट तो, लोगों से तो ये डिपेंड करता है आपकी क्वालिटेटिव जो टॉपिक है जो आप चाहते हो तो उस पर डिपेंड करता है कि आप टॉपिक जो चाहते हो उस बेस पर आप सैंपल वो करते हो पसंद करते हैं इसी तरह फिर सैंपल का, का काम क्या है इन क्वांटिटेटिव हम ड्रा करते इन्फ्लुएंस ग्रुप के बारे में जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है और जबकि क्वालिटेटिव में क्या करते हैं हम डिज़ाइन करते हैं क्या या वो इन डेप्थ नॉलेज अबाउट द सिचुएशन या हम वो पॉसिबल डिफरेंशिएशन इंडिविजुअल के जो रिस्पांस है उसको हम कैलकुलेट uh, करना चाहते हैं इस्टीमेट करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल जो ग्रुप uh, में डिफ्रेंसीशन है वो भी तो वो हमारे पास यही कैलकुलेशन देती हैं और इसी तरह हम, अगर हम सैम्पल साइज़ को क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में और आइडियाज़ टू डिफरेंट फ़िलासफर उन्होंने जिक्र किया कि ये सिमिलरली ज़्यादातर ये डिटरमाइन सेम ही होता है लेकिन जो सैम्पल साइज़ है वो डिपेंड किस चीज़ पे करता है आपके resources पे कि आपके पास रिसोर्स कितने हैं तो उस पे डिपेंड करता है वो चाहे क्वांटिटेटिव हो या क्वालिटेटिव हो तो इस बेस पे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उस पे बेस करता है लेकिन कुछ फिर ये कहते हैं कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसमें आप पहले से प्री डिटरमाइंड साइज नहीं कर सकते बल्कि डेटा कलेक्शन फ़ेज में आपको कि आप उस सिट आप तब तक इंतज़ार करते हैं जब तक आप सचुरेटिड पॉइंट तक ना पहुँचे सचुरेट पॉइंट डेटा का सचुरेट पॉइंट ऑफ डेटा सिचुरेशन व्हाट इज़ मीन सिचुरीशन वो पॉइंट जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव आपको चाहिए वो अचीव हो सकें तो ये क्या वो सिचुएटेड पॉइंट होता है हमारे पास सिचुएटेड पॉइंट से फिर हम अपना सैम्पल साइज जो जो हमने वो किया वो डिटरमाइंड हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा अब फिर न्यू इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है और हम सिचुएटेड पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम जब पहुंचेंगे उसके बाद हम एडिशनल इंफॉमेशन को स्टॉप कर देंगे अब ये ग्राफ है लाइक like, ये हमारे पास पॉपुलेशन है एंड सैम्पल साइज़ हाँ अब तब तक हम इन द क्वालिटेटिव डेटा हम तब तक डेटा कलेक्ट करेंगे इस पॉपुलेशन से सैम्पल साइज़ तब तक कलेक्ट करेंगे कि जब तक हमारे पास सिचुरेटेड पॉइंट ना अचीव हो जब सिचुरेट पॉइंट अचीव होगा हम फिर उसके बाद सैम्पल uh, हम और उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करेंगे लेकिन सचुरेटेड पॉइंट का मतलब क्या है हमारे पास जो हमें ऑब्जेक्टिव चाहिए जो स्टडी है इवेंट्स फाइंड करना चाहते हैं सोल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं वो हमारे तक हम अचीव कर सकें तो उसके बाद हम स्टाप कर जाते हैं और ये कंसेप्ट किस चीज़ का है? ये सैम्पल का कंसेप्ट है सैम्पलिंग का और नेक्स्ट टॉपिक किया हमारे पास फिर सैम्पलिंग इन क्वानी क्वान्टिटेटिव रिसर्च हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में सैंपलिंग का क्या कंसेप्ट है इस इन्होंने फिर एक अलग वो दिया हुआ है द कंसेप्ट ऑफ सैम्पल अब सैम्पल क्या सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं किस चीज़ का कंसेप्ट एक्सप्लेन uh, करना कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग वो सपोज करते हैं कि हम ऑन एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट मालूम करना चाहते हैं क्लास में दैन दो तरीके हमारे पास एक तरीका है कि हर एक स्टूडेंट के साथ कंटेक्ट करें और उनका एज उनके एज से हम फाइंड uh, करें मीन कि हम पॉपुलेशन जो टोटल क्लास की पॉपुलेशन है उससे डेटा कलेक्ट करें और उस उन पे एन पे डिवाइड कर दें देन आफ्टर सेकेंड क्या है सेकेंड क्या हम फ्यू स्टूडेंट का डेटा लें मीन सेम्पल अब सैम्पलिंग है फ्यू डेटा फ्यू स्टूडेंट से डेटा लें और उस डेटा पे क्या जितने स्टूडेंट हैं उन पे हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो मीन वैल्यू है ऑफ सेम्पल साम्पल की हमने फ्यू स्टूडेंट सेलेक्ट किए और उन्हीं नंबर पे हमने डिवाइड किया जितने सेलेक्ट किए और इनका एवरेज निकाला और वो एवरेज हम फिर जनरलाइज कर लेते हैं किस चीज़ के लिए फॉर होल क्लास और एवरेज एज हमने मालूम कर लिया इसी से इसके बाद अगर एवरेज एज हमने मालूम किया एवरेज एवरेज एज हमने मालूम किया तो ये हमने साम्पल से मालूम किया और इससे अगर हम मालूम करते हैं कि टोटल पापुलेशन ले तो वो टोटल पापुलेशन एवरेज बनता है अब सेकंड इन्होंने एग्जांपल सिमिलर सपोज़ वो ट्राई करते हैं कि फैमिली रहती है इन सिटीज़ फैमिलीज इनकम वो ऑन एवरेज एवरेज इनकम क्या है आई बार मीन इनकम एवरेज इनकम ऑफ़ फैमिलीज़ वो क्या है इन सिटी तो वो दो तरीके से हो सकता है अगर एक पॉपुलेशन को सेलेक्ट करना और एक uh, आप क्या करते हो फ्यू फैमिलीज़ को सेलेक्ट करते हो और उसी बेस उस उनकी इंक्वायरी बेस पे उनकी इंक्वायरी जब आप कर लेते हो इंक्वायरी कर लेते हो उन बेस पे आप फिर क्या करते हो फ़ाइंड आउट करते हो किस चीज़ को उन फ्यू फैमिली uh, से एवरेज एस्टीमेट करते हो फ़ाइंड आउट करते हो और वो जर्नलाइज करते हो फॉर द सिटी तो ये क्या ये दो तरीके हैं किस चीज़ के सेम्पलिंग uh, uh, दो एग्जांपल दिए सैम्पलिंग के लिए या आप सैम्पलिंग करते हो या पॉपुलेशन को सेलेक्ट करते हो इसी तरह इन्होंने जो फिगर 12.1 में अबाउट जो गिवन था मैंने इससे पहले जो डिस्कस किया इसी तरह फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हैं किस चीज के सैम्पलिंग uh, के एडवांटेजेस क्या हैं एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं एडवांटेज ये है कि हम हमारा टाइम सेव करता है सैम्पलिंग और हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो सेव कर लेता है और डिसएडवांटेजेस क्या है कि हम ज़्यादातर इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते जो कि टोटल पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं हर एक को हम कलेक्ट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ हमने सैंपल सेलेक्ट किया तो उस वजह से फिर हमारे पास इसकी डिसएडवांटेजेस हैं और वो फिर एक्चुअल सिचुएशन शायद वो जो हमने पॉपुलेशन सैंपल से, से ड्रा किए वो शायद पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही ना करती हो लेकिन ये हमारे पास डिस एडवांटेजेस हैं और ये भी पॉसिबिलिटी है कि एरर हो हमारे पास किस चीज़ के सेलेक्शन ऑफ सेलेक्टिंग ऑफ अ सैंपल हम जो सैम्पल सेलेक्ट कर रहे हैं शायद वो गलत हमने सेलेक्ट किया हो तो इशू आ सकते हैं तो ये क्या हमारे पास सैम्पलिंग uh, के कुछ एडवांटेजेस है, हैं कुछ डिसएडवांटेजेस हैं